सभाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज एक मंत्री अपना पक्ष रखते समय कुछ सांसदों ने जिस तरह से पेश आए, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और उनको माफी मांगना चाहिए आपके पास आकर उनको। संतोष पांडे जी, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्य चाहे इधर से हो उधर से, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा है, माननीय मंत्री बोल रहा है, क्या बेल में आकर आपस में विवाद करना चाहिए क्या? ये उचित है सदन के लिए? नहीं, गलत। जीरो आवर में वैसे तो कहते हैं सरकार का जवाब नहीं आ रहा है, और हमारे मंत्री जब सरकार की तरफ से पक्ष रख रही थी, कितना कितना पैसा राज्यों को दिया, काम नहीं हो रहा, उसको आपने सुना नहीं और अभद्र व्यवहार किया, ये कैसे उचित हो सकता है सर? ये कैसे उचित हो सकता है? हाँ बोलिए। हाँ एक मिनट बोलिए, क्या बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय? जब एक मिनट उनको ही बोलने दो अध्यक्ष महोदय, आपको ही मौका देंगे, आपको मौका देंगे अध्यक्ष महोदय। जब हमने अपनी बात रखी, हमारी ये अपेक्षा थी कि जो कंसर्न मंत्री हैं, कंसर्न मंत्री गृह मंत्री, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का बात उठाइए, वो होंगे, लेकिन सबसे पहले अडजर्नमेंट मोशन देने के, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सबसे पहले अडजर्नमेंट मोशन देने के बाद भी कंसर्न मंत्री नहीं थी। दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय, इस संदर्भ में जो घटना हुई है उसके डिटेल्स में ना जाते हुए राजनीतिक टिप्पणी उन्होंने शुरुआत की। हमारी अपेक्षा बस ये है, हमारी अपेक्षा उन्होंने, आप राज जाएं। अध्यक्ष महोदय मुझे पूरी बात सुनने दो। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते थे कि सरकार क्या करेगी, सरकार इस केस में हम बताएंगी कि उन चार लोगों को कैसे रिहा किया गया, सरकार ये बताएगी कि महिलाओं को वहां के जो लोकल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्यों मदद नहीं कर पाए, ये सब बातें नहीं आए, सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी और आक्रामक भाषण आए। आक्रामक भाषण, राजनीतिक टिप्पणी और मुद्दे से जो अलग परे हो गए, इसके विरोध में हम खड़े हुए हैं। हम वेल में नहीं आए, हम अपने सीट पे खड़े होके इसका विरोध हमने किया है। एक मिनट शांत रहिए ना माननीय सदस्य। मैं माननीय सदस्य, आपने कहा कि राजनीति टिप्पणी की, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यहां पर राजनीति टिप्पणी करने के बाद कोई माननीय सदस्य बेल में आकर किसी को धमकाना उचित है क्या? अरे मैं, आप बैठिए ना, आपको मैं जब बोल रहा हूं तो आप सारा सदन के बोल रहा है, एक आचार संहिता बननी चाहिए। इस बार की कोई राजनीति टिप्पणी की, मैं आपको भी उसी तरह की राजनीति टिप्पणी आप भी करते हैं, बहुत गंभीर आपत्तिजनक टिप्पणी भी करते हैं, इसके लिए अगर इधर के माननीय सदस्य बेल आएंगे तो जो शब्द यहां से मैं आज सदन में बोल रहा हूं, मेरा दूसरा सत्र है, 5 साल इसी तरीके से इस सदन की आचार संहिता बना चाहता हूं। कितनी भी गंभीर टिप्पणी की हो, गंभीर टिप्पणी का जवाब गंभीर टिप्पणी से करो, और असंसदीय होगा तो मेरी जिम्मेदारी है कि उसको रिकॉर्ड में नहीं जाने दूंगा, और रिकॉर्ड में नहीं होने के बाद भी अखबार छापेंगे, उसकी भी आचार संहिता बनाएंगे। ये सदन तो इसी तरीके से चलना चाहिए ना, लेकिन राजनीतिक टिप्पणी के बाद हम बेल में आकर आपस में ये करें, इसको इस सत्र के अंदर हम नहीं करेंगे। होता होगा, मैं आपको बोलने दूं, होता होगा, पहले कभी हुआ होगा, लेकिन मेरे कार्यकाल में मैं आपसे सहयोग चाहता हूं, आपकी सहमति चाहता हूं कि हम इस सदन को इस गरिमा से चलाएं कि देश और विश्व पूरा देखें। हाँ आप बोलने दो, एक मिनट अब बोल दिए मैंने, मंत्री जी की बात मैंने बोल दिए, अब माननीय सदस्यगण एक मिनट, नहीं आप मुझे आदेश मत दें किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, ठीक है ना? ये आदेश बेटे बेटे टेल मत दिया करो, इनको बुला लो इनको बुला लो, आदेश को कभी भी
बैठकर आदेशित करने की व्यवस्थाओं को बंद कर दो, नहीं तो मैं नाम निकालकर आपको सदन से बाहर निकालने के लिए कहूंगा। ऐसे नहीं चलने वाला। मैं माननीय सदस्यगण, आज एग्रीकल्चर पर चर्चा होनी है और मैं चाहूंगा कि 1:30 बजे तक भोजन अवकाश करने के बाद हम वापस जुटेंगे और एग्रीकल्चर पर पहले अधीर रंजन जी बोलेंगे, उसके बाद रिप्लाई होगा। सदन 1:30 तक के, 1:30 पर देखो माननीय सदस्य, एक बात ये भी सुन लो, माफी मुझसे मंगा लिया करो, लेकिन रोज बोलकर गलत बोलकर माफी मांगने की परंपरा नहीं होनी चाहिए। गलत ही नहीं बोलो, पहले तो गलत बोलो। मैं माननीय मंत्री जी आपकी बात मैंने कह दी है। हाँ हाँ, अब सभा की सदन की कार्रवाई 1:30 तक के लिए स्थगित की जाती है।